गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट ए नोटिस। आज हम सीखेंगे कि नोटिस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया होता है उसको ध्यान से विद केयरफुली हमें वो स्टडी करना है, पढ़ना होता है, रीड करना है। जैसे मेरा क्वेश्चन है, यू आर रीमा रोहन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ HCA पब्लिक स्कूल। तुम्हारा नाम रीमा या रोहन है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो तुम कहाँ के, HCA पब्लिक स्कूल के। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ समर कैंप फॉर द ट्रेनिंग क्रिकेट। जो तुम्हारा स्कूल है वो आयोजित कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग मैंने आयोजित कर रहा है एक समर कैंप फॉर द ट्रेनिंग क्रिकेट, क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए। किसके लिए? फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। तुम्हें अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है HCA पब्लिक स्कूल, तो हमने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पे हमें फुल फॉर्म लिखनी है, होली चाइल्ड एकेडमी। ये सभी वर्ड हमारे कैपिटल से आने चाहिए, हम सभी वर्ड जो है कैपिटल से राइट करते हैं। उसके बाद में हम वन लाइन छोड़ के वर्ड नोटिस डालते हैं। ये जो वर्ड नोटिस है बिल्कुल ये बीचों बीच आना चाहिए, और इसमें भी हम सारे कैपिटल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम वन लाइन छोड़ के डालते हैं डेट, जैसे आज है 22 अप्रैल 2021, तो हमने डाला 22 अप्रैल 2021। देखो अगर हम डेट में ना इसमें हम यहाँ पे कोमा नहीं लगाएंगे अप्रैल के बाद में, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो 22 अप्रैल है तो अगर हम यहाँ लिखते 22, तो यहाँ कोमा लगाते, कोमा हम डिजिट को सेपरेट करने के लिए लगाते, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे तो खुद ही सेपरेट है डिजिट। फिर हम एक लाइन छोड़ के डालते हैं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर उसी के जिसे स्टार्ट करते हैं हम कंटेंट, देखो इसमें क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, सभी विद्यार्थियों को हियर बाय मैंने यहाँ सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ए क्रिकेट समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ देखो पूरा, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ समर कैंप फॉर द ट्रेनिंग क्रिकेट फॉर द स्टूडेंट। हमें अपने पास से कुछ नहीं करना, हमारा जो है हेडिंग वो यहाँ दी हुई है, देखो यहीं से हमने लिख लिया या लिख दिया, जो हमने पूरा यहाँ पे कर दिया। तो हमें स्टूडेंट को ये भी बताना होता है कि ये जो है ये कब से शुरू होगा, तो हमने कहा कहाँ से होगा, हमें लिख देते हैं फ्रॉम 1 मई टू 31 मई, कि ये 1 मई से 31 मई तक है। फिर हम बताते हैं टाइम का, भाई एट 7 AM टू 10 AM, मतलब सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद में हमें ये बताना होगा कि जो हमारा कैंप है ये कहाँ लगेगा, हमने इसे बता दिया कब से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 मई से 31 मई तक है, टाइम ही बता दिया, लेकिन कहाँ पे होगा हमें इसका प्लेस भी तो बताना होता है, तो हम लिखेंगे इन आवर स्कूल प्ले ग्राउंड में। अब हमने इसे कब कहाँ हो रहा है आयोजित ही हमने बता दिया, उसके बाद में हमें ये बताना है। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो सभी को तो क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे गिव देयर नेम टू द अंडर साइन। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो अपना नाम अंडर साइन, मतलब जिसके नीचे साइन है उसको दे सकते हैं, या अपनी क्लास टीचर को, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट डेट है वो है हमारी 31 अप्रैल, लास्ट डेट बाय 30 अप्रैल, ये 30 अप्रैल तक है। समझ में आ गया कि इसमें आप देखो दोबारा से देखो, जो हमारे स्कूल है वो आयोजित कर रहा है एक क्रिकेट समर कैंप ट्रेनिंग स्टूडेंट के लिए, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम दे सकते हैं अंडर साइन को या अपनी क्लास टीचर को। और लास्ट जो भी हमने बता दी, आफ्टर नोटिस वी पुट नोटिस इन ए बॉक्स, हम नोटिस को एक बॉक्स में रखेंगे, इसका हमने ये बॉक्स बना दिया है, ये नोटिस हमारा बॉक्स में हो, बॉक्स कंपलसरी है ये। एक और देख लीजिए आप, दूसरा मैं आपको एक और नोटिस बताती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, यू आर रिया, तुम्हारा नाम रिया है, द हेड गर्ल ऑफ राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल खेपड़ा, कहाँ की हो, राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल है तुम्हारा। और यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट ए नोटिस, तुमसे एक नोटिस लिखने को कहा गया है रिगार्डिंग अ टिफिन बॉक्स फाउंड इन द स्कूल, की तुम्हें एक टिफिन बॉक्स पाया है स्कूल में। सबसे पहले हमने बताया तुम्हें, हम लिखते हैं सारे वर्ड कैपिटल से, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है हमारे स्कूल का नाम, राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल, तो हमने सब लिख दिया ये राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल
उसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे वर्ड नोटिस। ये भी वर्ड हमने देखो बीचों बीच लिखना है और ये सब कैपिटल वर्ड से लिख दिया हमने। उसके बाद हमने डेट डाल दी 22 अप्रैल 2021। उसके बाद में वन लाइन लिख करके हमें डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा कि हमें टिफिन बॉक्स पाया तो 8 टिफिन बॉक्स फाउंड। उसके बाद में देखो 8 टिफिन बॉक्स हैज बीन फाउंड लाइन अनक्लेम्ड इन द स्कूल कैंटीन। कि 8 टिफिन बॉक्स पाया है जिसका जो अनक्लेम है कहाँ पे पाया है हमारा स्कूल कैंटीन में। द वन हु हैज लॉस्ट इट जिसका यह खुआ है और लेफ्ट इट बाय मिस्टेक या गलती से छूट गया है वो इसको पहचान के कैन आइडेंटिफाई एंड क्लेम इट वो उसको ले सकता है विद इन 2 डेज के अंदर अंदर। जिसको ये खोया प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, अंडरसाइन जिसके नीचे साइन है वह इससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है इन रूम 14 में और कम ड्यूरिंग द रेसिस पीरियड ओनली केवल रेसिस पीरियड में। और जिसको ये पाया वो रिया है तो उसके में नीचे रिया लिख दिया। रिया कौन है हेड गर्ल है क्योंकि इसकी राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल की तो हमने लिख दिया राइजिंग स्टार की हेड गर्ल लिख दिया हमने। मतलब लास्ट में उसका डेसिस लिखते हैं और फिर लास्ट में हम इस नोटिस को एक बॉक्स में रखते हैं। एक और देखिए नोटिस देखो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है यू आर आचल शर्मा तुम आचल शर्मा हो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7A की DAV पब्लिक स्कूल की में रखी। यू हैव लॉस्ट योर ब्रांड न्यू अम्ब्रेला समवेयर इन द स्कूल तुम्हारा जो एक ब्रांडेड अम्ब्रेला है वो स्कूल में खो गया है तो तुम्हें राइट नोटिस लिखना है गिविंग द डिटेल्स ऑफ द अम्ब्रेला अम्ब्रेला की डिटेल देते हुए और तुम्हें फाइंडर से जिसको ये मिले उसे रिक्वेस्ट भी करनी है कि उसको वापस लौटा दे। तो सबसे पहले देखो कौन सा स्कूल दिया हुआ हमने DAV पब्लिक स्कूल तो हमें लिख दिया DAV पब्लिक स्कूल। वन लाइन छोड़ के लिखा है वर्ड नोटिस। उसके बाद में वन लाइन छोड़ के हमने डायरेक्ट डेट देखो अप्रैल 22 तो हमने कोमा लगाया। क्यों लगाया कोमा क्योंकि हमें ये डिजिट है ये सेपरेट करनी है। और उसके बाद में वन लाइन छोड़ के हमने डाला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा अम्ब्रेला लॉस्ट हुआ है। अब देखो ए ब्रांड अम्ब्रेला हैज बीन लॉस्ट टुडे कि जो एक ब्रांड अम्ब्रेला है वो खो गया है कहाँ पे समवेयर इन द स्कूल कैंपस कि स्कूल कैंपस में कहीं। इट इज कैपिटल ब्रांड ये कैपिटल ब्रांड का था और ये फोल्डेबल था और इसका कलर कैसा था रेड कलर और उसमें ब्लैक कलर की डॉट्स थी कलर विद ब्लैक डॉट्स। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड जिसको ये मिले उससे रिक्वेस्ट है टू कॉन्टैक्ट द अंडर साइन मतलब जिसके नीचे साइन है उससे वो कॉन्टैक्ट करे कहाँ पे इन क्लास 7th में या रूम नंबर 13 में कहाँ पे सिर्फ ड्यूरिंग द रेसिस केवल रेसिस में। ए सुटेबल रिवार्ड इज प्रॉमिस उससे एक सुटेबल रिवार्ड दिया जाएगा और नीचे हमने लिख दिया आंचल शर्मा। आंचल शर्मा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था अगर किसी क्वेश्चन में कोई नेम नहीं दिया जाता तो हम एक्स वाई जेड करके छोड़ देते हैं वहाँ पे फिर हम नेम नहीं डाल देते। सपोज कोई यहाँ पे नाम नहीं होता ऐसे लिखते कि तुम स्टूडेंट हो क्लास 7 के तो यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 डेवी पब्लिक स्कूल तो यहाँ पे हम लिखते एक्स वाई जेड करके छोड़ देते फिर हम नेम नहीं राइट करते। अपना नाम जो होता है अपना जो रियल नाम होता है वो हम कभी भी नोटिस में राइट नहीं करते जो नाम हमें दिया हुआ होगा हम सिर्फ वही नाम राइट करते हैं और लास्ट में जो हमें डेजिनेशन दिया होता है क्वेश्चन में वही डेजिनेशन हम इसमें राइट करते हैं। तो इसको और लास्ट में ये जो बॉक्स बनाना कंपलसरी है बॉक्स के भी तुम्हें हाफ मार्क्स मिलता है और कंटेंट जो है वो 50 वर्ड्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया मैं तुम्हें ये वीडियो सेंड कर दूँ सबको ये वर्क अपनी फेयर कॉपी में करना है और अच्छे से समझना है।